दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। मेरे साथ ऐसा एक नौजवान है जो कि एक फेमस व्लॉगर है, अपने व्लॉग से बहुत सारी व्यूज भी हासिल करता था, हेयर स्टाइल व्लॉगर था, अपने बालों को 15,000 या 20,000 रुपए लगा के कलर अपनी बालों को करता था। आपको मैं बताना चाहूंगा, इसका जो नाम था वहां पर अदनान बागी, अदनान बागी से अब अदनान बन चुका है क्योंकि ये अब 5 टाइम का नमाजी बन चुका है और तहज्जुद नमाज भी अब अदा कर। अल्लाह ताला ने अदनान के दिल में रहम डाला और अब जाकर अदनान सुधर चुका है क्योंकि अदनान नमाजी बन चुका है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अदनान व्लॉगिंग के साथ साथ ये मार्शल आर्ट खिलाड़ी भी रहा है और ये नेशनल चैंपियन खिलाड़ी भी रह चुका है। अदनान से हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। अदनान, आपको पहले द वॉइस ऑफ कश्मीर में आपका वेलकम करते हैं हम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अदनान, आपको मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ वजह रहा कि आपने व्लॉगिंग भी छोड़ी, आप रैप सॉन्ग भी गा रहे थे वो भी आपने छोड़ा, आप दीन के राह पे आप चल रहे हो, इसके पीछे क्या कुछ वजूहत है? देखो, सबसे पहले मैं ये बात बताऊँगा कि आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो मेरे चैनल देख सकते हो, उसमें मतलब अवेलेबल है अभी भी वीडियोज़ पुराने, 2-3 दिन में वो डिलीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यही बात बताऊँगा कि मेरे ज़िंदगी में सुकून नहीं था उस टाइम जब मैं ये रैप सॉन्ग्स या व्लॉगिंग, हेयर स्टाइल, यहाँ तक मतलब मुझे एक नशा बन चुका था हेयर कलर करने का, एक नशा बन चुका था। मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद 15,000 10,000 5,000 अपने बालों पे खर्च करता था, तो वो एक नशा बन चुका था मुझे। तो उसके बाद मुझे एक रैप सॉन्ग कोलैब करना था, वो बाहर दिल्ली का बंदा था, वो उसके साथ मुझे कोलैब करना था एक रैप सॉन्ग। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे ख्वाब में एक मतलब ऐसे ही बुजुर्ग आया, मौली साहब कह सकते हो, तो उसने बताया कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत है, बहुत कुछ उसने बातें बताई, अभी वो बातें ज़्यादा जहन में नहीं है। तो जब सुबह में मार्केट निकला और बहुत ज़्यादा परेशान था उस चीज़ को लेके, सुबह जब मार्केट निकला मैं, मार्केट में वही बंदा मुझे मिला, वही बुजुर्ग मुझे मिला मार्केट में, उसने बताया ये सब छोड़ दो। तो उसके बाद मैंने कॉलेब नहीं किया, मैं सीधा घर आया। तो घर आके मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो हेयर स्टाइल था वो मैंने अपना हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया और उसके बाद मैं जमात के साथ निकला। तो जब मैं जमात के साथ निकला, जब मैंने मतलब नमाज पढ़ी, तहज्जुद में उठा, तहज्जुद पढ़ लिया मैंने, तो मुझे दिल को कुछ अलग ही सुकून मिला। तो उसके बाद मैंने फैसला किया, क्योंकि मैं ये सब छोड़ दूँ, मैंने फैसला किया मैं ये सब छोड़ दूँ, ये सब बकवास है, दुनिया कुछ नहीं है, बस उसकी ज़ात रहने वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदा अब्दुहु व रसूलुहु, दुनिया कुछ नहीं है, बाकी सब फंदे। अदनान साहब, जब से आपने नमाज स्टार्ट किया, जब से आपने नमाज शुरू की है, कितना सुकून मिल रहा है ज़िंदगी में, और जो लोग आपको अब देख रहे हैं कितना इज्जत वो देते हैं आपको? देखो माशाल्लाह, मुझे लोग अभी बहुत इज्जत कर रहे हैं, और ये बात बताऊंगा कि चाहे आपके पास कितने भी दौलत हो, माल हो, दौलत हो, कुछ भी, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे ना तो आपके दिल में सुकून नहीं होगा। जब आप नमाज पढ़ोगे ना तो दिल में देखना, एक बार नमाज पढ़ना और उसके बाद देखना दिल में कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून आ रहा है। अदनान साहब, और एक सवाल है, ये लास्ट सवाल है मेरा, जो व्लॉगर फनी वीडियोस बनाते हैं क्योंकि उनके पास और भी कुछ टैलेंट होता है, जैसे कि कोई प्लम्बिंग का टैलेंट होता है या कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई बहुत सारे ऐसे हमारे कश्मीर में नौजवान हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट होता है मगर वो ज़्यादा कॉमेडी पर ध्यान देता है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी और क्या कुछ कहना है? देखो माशाल्लाह, कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे छोटे बच्चे के पास चाहे बड़ा हो, मतलब सब लोगों के पास टैलेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा व्लॉगिंग करो, या अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो कुछ अच्छा व्लॉगिंग करो और इस्लाम को प्रमोट करो। कोई प्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके वीडियोस डालो, या कोई कुछ कर रहे हो तो उसके वीडियोस डालो, कोई अच्छा अच्छा कंटेंट डालो। और ये छपरीगरी या कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं ना, ये सब गुनाह है, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि कॉमेडी या किसी पे हंसना या किसी को हंसाना बिना मतलब वजह, किसी को हंसाना, ये सब गुनाह है, ये इस्लाम मतलब हमारे इस्लाम में नहीं है ये सब। क्या मैसेज रहेगी अब आप? मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि मतलब कुछ अच्छा कंटेंट ढूंढो और अपने टैलेंट, जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करो, या इस्लाम को भी प्रमोट कर सकते हो, इस्लाम के भी वीडियोज डाल सकते हो, वो सब अच्छा रहेगा हमारे लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नाजरीन हमारे साथ अदनान, जो एक फेमस व्लॉगर था, अपनी बालों को कलर करके 15,000 या 20,000 रुपए लगाता था और बाद में जाके व्लॉगिंग करता था, वो वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे डालता था, बहुत सारे व्यूज भी इसको मिलते हैं। अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दी है, अब यहाँ जाकर ये नमाजी बन चुका है, अब जाकर ये क्या करे, तहज्जुद भी पढ़ता है और इस वक्त भी ये तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता है। और अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत नसीब फरमाए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में कंटेंट क्रिएटर है, जो वो कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं जिसमें हमारे समाज, जिससे हमारे समाज को नुकसान होता है, जिससे हमारे बच्चों को नुकसान होता है जब हमारे बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, वह ऐसे कंटेंट आप भी डालें जिससे हमारे समाज को फायदा हो, जिससे हमारे नौजवानों को फायदा हो। दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।